हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन बॉली मीडिया में, जहां आपको मिलती है अपकमिंग मूवी सॉन्ग और टीवी सीरियल से जुड़ी हर खबर सबसे पहले। बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी अब जल्द ही कॉमेडी ड्रामा फिल्म में नजर आने वाले हैं। आपको बता दें कि इस फिल्म का निर्देशन बलविंदर सिंह जंजुआ कर रहे हैं। फिल्म सब फर्स्ट क्लास से में इमरान हाशमी अहम भूमिका में नजर आने वाले हैं। इमरान पहले भी घन चक्कर, दिल तो बच्चा है जी जैसी कई कॉमेडी फिल्म में नजर आ चुके हैं। अपनी अपकमिंग कॉमेडी फिल्म को लेकर एक्टर ने कहा कि फिल्म एक मजेदार लेकिन संवेदनशील कहानी है। ये फिल्म उस आम आदमी के बारे में है जो अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। साथ ही एक्टर ने बताया कि बलविंदर सिंह की स्क्रिप्ट में काफी कॉमेडी सीन है, लेकिन साथ ही कई मार्मिक पल भी आते हैं। ये मेरे पिछले कामों से काफी अलग है और पहला नरेशन सुनने के साथ ही मैं काफी उत्सुक था। बलविंदर ने पहले भी तापसी पन्नू और भूमि पेडनेकर स्टारर फिल्म साल की आग और मल्टी स्टारर फिल्म मुबारक लिखी है। इससे पहले उन्होंने रणदीप हुड्डा और अलियाना डिक्रूज स्टारर फिल्म अनफेयर एंड लवली निर्देशित की थी, जिसे हाल ही में रिलीज किया गया था। बलविंदर ने कहा था कि इमरान एक ऐसे अभिनेता है जिसके पास जबरदस्त क्षमता है। बलविंदर ने कहा कि जब उन्होंने नरेशन सुना तो उन्हें लगा कि उन्होंने महसूस किया कि ये एक छवि से बाहर निकलने के लिए सही स्क्रिप्ट है। वो असल जिंदगी में काफी मजेदार इंसान है। मुझे लगता है कि ये स्क्रीन पर अच्छी तरह से दिखाई देगा। बता दें कि बलविंदर ने रूपिंदर चहल और अनिल लोडन के साथ सह लेखन किया है। फिल्म अगले साल रिलीज किया जाना है और अभी फिल्म शूटिंग लोकेशन पर काम चल रहा है। वेल दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड इमरान हाशमी को एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म में देखने के लिए? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करें और ऐसी ही जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे